हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है X360 14। ये टच वाला है, आप देखते ही हो, 360 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब हम इसे ऑन कर रहे हैं आप यहाँ पे देखोगे एक सेकेंड के लिए इसकी लाइट ऑन होती है, ये ऑन नहीं हो पाता। ये आप यहाँ पे देखोगे लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है। इसके स्क्रू होते हैं, ये पीछे से खुल जाता है। जब आप इस मॉडल को खोलो तो ध्यान रखें, इसमें यहाँ पे केबल होती है, झटके से मत उठाएं, प्यार से इसको खोलें और आराम से केबल निकालें। इस चीज का आपको भी ध्यान रखना, यदि आप हमारे काम करने वाले सब्सक्राइबर हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, इसको बहुत ही ध्यान से खोलें। तो ये हमारा मदरबोर्ड आ गया है, यहाँ पे डीसी होता है, हम बोल्ट चेक करते हैं डीसी से कि हमारे बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे हमारे बोल्ट आ रहे हैं तो स्विच पे हमारे बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये चीज चेक करते हैं। इस प्रकार जब मदरबोर्ड की प्रॉब्लम होती है, हम मदरबोर्ड को कैसे डायग्नोस करता है, सबसे पहले हम डेड में यदि कंडीशन में हमारा लैपटॉप है तो फिर हम पहले डीसी पे बोल्ट चेक करते हैं कि हमारे डीसी पे 19 बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा स्विच पे आते हैं कि स्विच पे हम बोल्ट चेक करते हैं कि 3 बोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि ये सब हो रहा है तो फिर हमारे मदरबोर्ड में कहीं पे आपकी इस पावर सेक्शन में, स्टार्टअप सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो उसी को हम चेक करते हैं, उसी को यहाँ पे रिपेयर करते हैं। यदि आपके पास भी कोई X360 लैपटॉप हो, सेम यही मॉडल हो या HP का कोई भी मॉडल हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।